हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप सभी बढ़िया होंगे ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, तो इस हफ्ते में जो घटनाक्रम घटा है मार्केट के अंदर, स्पेसिफिकली जिन स्टॉक्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, मैं उन्हीं से रिलेटेड बात आज आपके सामने करने जा रहा हूं। तो जैसे पिछले वीक में हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने बड़ा स्पेशली बोला था, सर आप प्लीज़ एक संडे को वीडियो डालिएगा। तो बेटा सॉरी, अब मैं उस दिन वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज मुझे जैसे समय मिला तो मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस हफ्ते में जो हमारे स्टॉक से रिलेटेड जो घटनाक्रम हुए हैं, उनसे रिलेटेड और मेरी जो अपनी ओपिनियन है, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, जो इस हफ्ते यानी कि जो आज 27th को, जो फ्राइडे 27th जुलाई को जो वीक क्लोज हुआ है, वहाँ पर मैं एक रिव्यू डाल रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो से रिलेटेड, जो मैंने इस हफ्ते में देखा, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं उन सभी शेयर्स के ऊपर बात कर सकूं जो हमने डिस्कस किए हैं, तो उसमें से कुछ शेयर्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं जिसमें इस हफ्ते में कुछ घटनाक्रम सामने नजर आया है, तो मैं उनके बारे में बात करूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात, इस हफ्ते जो निफ्टी है, निफ्टी ने अपना नया हाई मारा। लार्ज कैप जो है आउट परफॉर्म कर रहा था पिछले, आप देखिएगा जब बजट सेशन है उसके बाद से जो है निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो हमारे स्मॉल कैप या मिड कैप से जिस तरीके के शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। काफ़ी दिनों के बाद इस हफ्ते के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस आई, हालांकि निफ्टी ने हाई मारा, स्मॉल कैप खाली काफ़ी पिटे हुए थे, बीट एंड डाउन सेक्टर था, आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप्स के अंदर, तो यहाँ पर 4.9% की यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर तेजी देखने को मिली। निफ्टी 1.9% का राइज देखने को मिला और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर 4.1% का, तो यानी कि काफ़ी दिनों के बाद हमें ऐसा देखने को मिला कि वीकली बेसिस पर मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्मेंस दी निफ्टी के सामने, लार्ज कैप्स के सामने। तो इस हफ्ते जो हमारे भी कुछ पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, उसमें से रेन इंडस्ट्री ने अपर सर्किट लगाया 2 दिन लगातार बैक टू बैक, और करीबन 10-11% के आसपास इस हफ्ते के अंदर उसमें जो है आपने तेजी देखी, और वो 200 के अराउंड में 200 उसने टच किया, और आज के दिन भी 200 रुपये के आसपास ही वो क्लोज हुआ है, और 200 रुपये से ऊपर का भी उसने एक लेवल टच किया था आज के दिन में इंट्राडे में। तो यहाँ पर रेन इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेन इंडस्ट्री के बारे में जब मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो डाली थी, डिस्कस किया था, उसके बाद कुछ होल्डिंग्स हमने इंक्रीज़ की थी रेन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वो जो भी होल्डिंग्स थी वो हमारी 190 के बिलो थी, यानी कि 190 रुपये के नीचे हमने वो कुछ शेयर्स बाय किए थे मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में, जो भी एक्चुअली जो मंथली अर्निंग्स थी उसको वहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पर कुछ होल्डिंग्स हमने इंक्रीज़ किया, तो रेन के अंदर जो है होल्डिंग की, और रेन का जो शेयर्स है यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे मैं और फर्दर बाय भी शायद करूँ। अब मेरे पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी बड़ी वेटेज रेन इंडस्ट्री की आ चुकी है, और यहाँ पर जो है थोड़े से कंसर्न हैं, तो मैंने जो बाकी जो कार्बन रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, फिलिप्स कार्बन और गोवा कार्बन्स के रिजल्ट इस वीक में आ चुके थे, तो वहाँ पर थोड़ा देखने को मिला कि जो रिजल्ट्स थे उनके, तो कार्बन बिजनेस के अंदर जो रिजल्ट्स थे ऐसा नहीं था कि ब्लॉकबस्टर थे जिस तरीके की तेजी पहले देखने मिल रही थी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस ऊपर आने की वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि मॉडरेट ही रिजल्ट शायद रेन इंडस्ट्री के रहेंगे, लेकिन रेन इंडस्ट्री एक्चुअली इंटरनेशनल प्रेजेंस है, तो रिजल्ट्स क्या होते हैं, रेन इंडस्ट्री हमेशा सरप्राइज करती है, अच्छा सोचते हैं खराब रिजल्ट आ जाते हैं, खराब सोचते हैं अच्छा आ जाते हैं, तो प्रेडिक्शंस करना बड़ा मुश्किल है रेन इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मैं फिर भी बड़ा पॉजिटिव हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिजल्ट ही आएंगे रेन इंडस्ट्री के, और यहाँ पर जहाँ पर शेयर्स अभी चल रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद खोने के लिए कुछ है नहीं, ये 170 से जो 200 रुपये के बीच में जहाँ पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करे, बट यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पिक है, यहाँ पर आप इकट्ठा कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2-3-4 महीने कंसोलिडेशन में चलता तो यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छी, मतलब मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी तेज़ी आएगी, और क्योंकि सभी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की आप देखेंगे कि पिटाई हुई थी कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, तो उसमें रेन इंडस्ट्री भी एक था, तो आप देखिएगा इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई थी जब पूरा स्मॉल कैप और मिड कैप गिर रहा था, बट मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, शायद थोड़ा ऊपर की तरफ भी 250 रुपये तक भी, 240-250 रुपये तक भी शायद ये राइज करे, और अगर रिजल्ट बेहतर हो गए तो हो सकता है कि आगे भी चले, और एक्चुअली ये जो है T2 ट्रेड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें आप इंट्राडे नहीं कर सकते, अगर आप इसको इंट्राडे में खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपकी जो ब्रोकरेज है वो दोनों टाइम पर डिलीवरी वाली ब्रोकरेज लगेगी, तो और 5% का सर्किट है, तो इसलिए इस जो शेयर है इसके अंदर जो वॉल्यूम है बिल्कुल कम हो गया है,
ये बहुत अच्छा मौका होता है कि अगर ऐसे टाइम पर रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएं तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो बैक टू बैक जो है अपर सर्किट मारते हैं, और कभी ख़राब आ जाए, बहुत ख़राब रिजल्ट आ जाए तो लोअर सर्किट के चांसेस भी होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि गंवाने के लिए शायद अब कुछ बचा है। हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस थोड़े से बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े से स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि हमने रेन इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, बिजनेस मॉडल एकदम बेहतरीन है, तो जो शेयर है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत अच्छी मल्टीबैगर्स रिटर्न आएंगे, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर शायद ये 1000 रुपये का रेट भी टच करेगा, जैसा कि मैं मानता हूँ। हालांकि थोड़ा सा रिदम इसके अंदर कम हो गया। तो अगला जो शेयर था जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहे, उसके रिजल्ट इस हफ्ते आए, उस कंपनी का नाम है थिरुमलाई केमिकल्स। तो जो थिरुमलाई केमिकल्स हैं उसके रिजल्ट इस हफ्ते आए, उसने 30 रुपये की अर्निंग जो है पोस्ट की, 30 रुपये की अर्निंग। लोगों को देखने में लगा कि रिजल्ट बहुत ख़राब थे, EPS 30 रुपये हो गई गिरकर, कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं EPS की बात कर रहा हूँ। सेल्स 258 करोड़ रुपीज़ की थी इस क्वार्टर के अंदर, तो देखने में ऐसा लगा कि रिजल्ट था। और इस हफ्ते के अंदर ही ये जो शेयर है वो एक्स डिविडेंड भी हुआ, यानी कि 20 रुपये का डिविडेंड था इस शेयर के ऊपर, तो वो डिविडेंड भी चला गया। और AGM भी कंपनी की हो चुकी है लास्ट वीक के अंदर, तो एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग दोनों एक ही दिन थी, और दोनों उसी दिन रिजल्ट आए थे। तो मेरा इसके रिजल्ट के मामले में ऐसा है सोचना कि ये जो रिजल्ट थे वास्तव में कंपनी का जो है एक प्लांट मेंटेनेंस चल रहा है, जो रानीपत के अंदर जो इनकी जो लोकेशन है वहाँ पर इनका एक मेंटेनेंस चल रहा है, और जो मलेशियन सब्सिडरी है वहाँ पर भी इनका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। तो जो रिजल्ट आए हैं वो वास्तव में इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो वो 3 महीने के नहीं बल्कि 2 महीने की प्रोडक्शन है, क्योंकि वहाँ पर एक पैरेलल मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके बाद थिरुमलाई केमिकल्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और एफिशिएंटली हो जाएगी। और मैंने मैनेजमेंट के साथ जो सारी जो मैंने डिस्कशन पढ़ी है, एनुअल रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी, तो बड़ा मुझे बेहतरीन लग रहा है स्टॉक अभी इस टाइम पे। और जिस तरीके के एक्सपेंशन से इनके दाइज प्लांट के अंदर भी, और जिस तरीके के जो फूड केमिकल्स के अंदर आ रहे हैं, उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जो 1300-1400 रुपये के आसपास जो शेयर चल रहा है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन शेयर है, और हो सकता है कि मैं इसमें फ्यूचर में कुछ थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूँ। और एक बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि इसका जो स्प्लिट है, जो आप 10 शेयरों के अंदर शेयर को स्प्लिट कर दिया जाएगा, तो ये शेयर देखिएगा जब 10 रुपये से 1 रुपये में स्प्लिट होगा तो ये शेयर आपको 130-140 रुपये के आसपास नजर आएगा करंट प्राइस के हिसाब से। वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ रुझान होगा, तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मुझे ऐसा लगता है 10-20% का जो राइज है वो इसकी वजह से भी शायद आपको देखने के लिए मिले। और बिजनेस पूरा टर्न अराउंड हो रहा है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो प्रोडक्ट है उसकी एवरग्रीन डिमांड है, और जिस तरीके से फूड केमिकल्स के अंदर आ रहे हैं बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट को जो मैंने पूरे ध्यान से सुना, उनको पढ़ा, तो मुझे और थोड़ा सा विश्वास हुआ कि कंपनी में कि जो मैनेजमेंट है वो एक्सेलेंट तरीके से काम कर रही है, और जिस तरीके से ये बिजनेस टर्न अराउंड कर रहा है शायद एक अच्छे प्रॉफिट्स भविष्य में देखने को मिलेंगे। और इसमें मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो स्टिल इंटैक्ट है, और शायद मैं इसमें फर्दर यहाँ पर बाय भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा 2 महीने पहले के करीब इसमें थोड़ी सी मैंने बाय की भी थी, और यहाँ पर मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूँ काफ़ी कि थिरुमलाई केमिकल्स के जो नतीजे जो बाजार में बात हो रही है कि बहुत ख़राब रिजल्ट आए हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिजल्ट ख़राब हैं। अगर उसको एनालिसिस करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रिजल्ट 3 महीने के नहीं बल्कि 2 महीने के, अगर इसको 3 महीने पर कन्वर्ट करो और जब थिरुमलाई केमिकल्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी उसके बाद जो बेनिफिट्स आएंगे, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद इस हफ्ते आपने देखा होगा कि HDFC की AMC HDFC की जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसका IPO आया, और उसने एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टर्स थे उनका रिस्पांस देखने को मिला। तो यहाँ पर जो HDFC का जो बिजनेस है HDFC AMC, मुझे ये जो शेयर है, हालांकि मैंने IPO में सब्सक्राइब्ड नहीं किया, मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूँ, लेकिन हो सकता है कि ये जो वैल्यूएशन हैं ये ठीक हैं, नॉर्मल वैल्यूएशन हैं, लेकिन HDFC का नाम है तो HDFC एक ब्रांड नेम है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर। तो आप ये देखिएगा, इसकी मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के ऊपर भी 20-30% का जो है गेन देखने को मिलेगा, और वहां पे मेरी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर जो है तो मैं यही राय होगी कि वहां पर होल्ड करिएगा। इसके नतीजे आज आप देखिएगा पूरी मार्केट के अंदर जब इसके IPO को रिस्पांस जबरदस्त मिला तो रिलायंस निपुण लाइफ असेट्स मैनेजमेंट जो कि पीयर है इसका, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले में, तो आप देखिएगा उसके शेयर्स में भी आज काफ़ी 5-6% की तेजी आपको देखने में मिली। तो रिलायंस निपुण लाइफ असेट्स मैनेजमेंट, आपको पता है मेरे मल्टीबैगर
जो पिक है उसके ऊपर भी मेरी जो वीडियो आप देख सकते हैं, रैंडम के ऊपर ही मैंने वीडियो डाली थी, और मैं अभी भी स्टिल रैंडम या जो HDFC, क्योंकि इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं इसमें सबसे खास बात ये होती है कि कैपिटल की जरूरत सबसे कम पड़ती है, और बिजनेस आपका जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट डेवलप होती है, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स के अंदर अवेयरनेस आती है, इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन बढ़ती है, इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस बढ़ता है, तो इस तरीके की जो बिजनेस हैं उसमें डेवलपमेंट आती है, और उसी की वजह से आज आप देखिएगा HDFC लिमिटेड का शेयर भी बहुत तेजी से इस हफ्ते के अंदर आप देखिएगा, आज वो भी HDFC का शेयर भी, जो HDFC लिमिटेड की बात कर रहा हूँ उसमें भी 6% के करीब की तेजी आज देखने को मिली, क्योंकि ये एक असेट्स को मैनेज करने वाली कंपनी है, और HDFC का जो HDFC लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ तो HDFC लिमिटेड के अंदर आप देखिएगा 53% के करीब होल्डिंग HDFC बैंक के अंदर भी है, तो HDFC लिमिटेड खुद अपने आप में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं HDFC लिमिटेड जो शेयर है वो भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है, हो सकता है मैंने आपके साथ कभी पहले डिस्कस किया या नहीं किया, लेकिन ये शेयर भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। इसके अलावा मैंने इस हफ्ते में बड़ी जो तेजी देखी, जो नीचे के लेवल्स पर थे जो वैल्यू पिकर्स थे उन्होंने कैपिटल फर्स्ट के अंदर और HDFC के अंदर दब के खरीदारी की, तो करीबन 40 से 50 रुपए की तेजी आप इस बार देखिएगा HDFC लिमिटेड के अंदर देखी गई, तो करीबन 8 से 10% के बीच की तेजी HDFC बैंक के अंदर और कैपिटल फर्स्ट के अंदर देखी गई, यहां पर मुझे बहुत अच्छी बाय लग रही है, और यहां से शायद मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर से रिबाउंड करेंगे, और जैसे जैसे स्टोरी है जो मर्जर है नजदीक आने लग रहा है, तो एक अच्छी बाइंग मुझे लग रहा है कैपिटल फर्स्ट के शेयर्स में मिलेगी, और इस हफ्ते HDFC लिमिटेड और HDFC जो बैंक है दोनों के शेयर्स जो हैं वो एक्स डिविडेंड भी हुए, और दोनों पे 75 पैसे के जो डिविडेंड था वो भी एक्स डिविडेंड हुआ, तो यहाँ पर भी देखने के लिए बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो शेयर्स हैं इसके अंदर, हालांकि जो HDFC बैंक के नतीजे हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से जो मर्ज एंटिटी होगी, और मुझे लगता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को पहले से मर्ज एंटिटी में जाने से पहले क्लीन करेंगे, और वैद्यनाथन जी जब इसको हेड करेंगे तो ये जो जो ये कैपिटल फर्स्ट का जो शेयर है ये मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है आफ्टर मर्जर, तो यहाँ पर भी हो सकता है मर्जर से पहले भी एक राइज देखने में मिले, क्योंकि कुछ ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहेंगे कि इस तरीके की जो एंटिटी है वो उनके पोर्टफोलियो में रहे, तो क्योंकि वैसे भी बहुत गिरावट हो गई है इसके अंदर, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो डाउनसाइड है वो बड़े लिमिटेड है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैं आपको जो डिस्क्लोजर के रूप में बता रहा हूं ये मैं अपनी राय दे रहा हूं, लेकिन आप कोई भी निवेश करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और तभी निवेश करें, और अपना खुद का रिसर्च वर्क भी जरूर से जरूर करें, क्योंकि देखिए पैसे आपके हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो रिस्क और रिटर्न दोनों आपसे जुड़ी हुई हैं, तो ये मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। इसके अलावा एक बहुत पिटा हुआ शेयर जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है जिसने बहुत बड़ी गिरावट दी है पिछले पूरे साल के अंदर, उसके शेयर का नाम है SPTL, और SPTL 30-31 रुपए से उसने बहुत अच्छा रीबाउंड किया, और रीबाउंड करने के बाद यहाँ पर एक दिन तो 20% का सर्किट भी लगा दिया और 38 रुपीज़ के आसपास तक आ गया, तो यहाँ देखने में अच्छा लग रहा है कि ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और टेक्निकली बाउंस बैक दे, लेकिन ये शेयर एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो फ्लोटिंग स्टॉक्स हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम ये शेयर जंप कर जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ऐसा ही समय होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तरीके की गिरावट होती है तो सारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर जो कम्युनिटी होती है वो डर जाती है, और जैसे ही वो शेयर ऊपर चलने शुरू होते हैं तो जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो निकल जाते हैं बेचकर, और फिर उसी शेयर्स को बाद में जाके ऊपर पकड़ते हैं, कि हुआ क्या था कि पिछले 2-3 साल से कोई गिरावट नहीं हुई थी और लोग पैसा बनाने लग रहे थे, तो मार्केट ने एक बार ऐसा लोगों को डरा दिया कि जो है ये इस तरीके की जो गिरावट है उसको दिखाना जरूरी होता है, ग्रीड और फियर के बीच में बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पर देखिएगा तो मुझे SPTL ऐसा नहीं लग रहा कि अभी बहुत क्या नाम है आप और बाय करें, लेकिन ये वैल्यूएशंस फेयर हैं, इतनी बड़ी कंपनी है इस साइज़ की है, यहाँ पे बाय बनता है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि यहाँ पे डाउन साइड हो सकती है, रिस्की जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाले लोग हैं वो SPTL को बाय कर सकते हैं, और हो सकता है कि मैं भी शायद इसमें थोड़ा और बाय करूं, और थोड़ा सा मैंने 33 के आसपास इसमें थोड़ा बाय किया भी था, मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, बट ये ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको चलने में, और यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा आपको टाइम ओरिजन थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद साउथ इंडियन बैंक के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने की संभावना थी, लेकिन वो रिजल्ट बहुत ही खराब आए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे, हर तरीके से रिजल्ट खराब आए,
और शेयर मार्केट में उसकी जो बिटाई जो जबरदस्त हुई और वो 20 रुपए से नीचे ट्रेड करने लगा। यहाँ पर कुछ लोगों की राय थी कि ये शेयर्स में क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर अभी 18 रुपए है और यहाँ पर अगर थोड़ा सा शेयर अगर 16 रुपए के आसपास अगर आपको मिले 16 के आसपास तो सिप के मोड के अंदर आप इस शेयर्स को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो साउथ इंडियन बैंक है रिजल्ट बेशक से ख़राब है लेकिन इतनी जो इस साइज का बैंक है, जिस तरीके का कस्टमर बेस है, जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, जितने तरीके के जो एडवांसेज हैं लोन्स हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 16 रुपए के अंदर ये हो सकता है शेयर आ जाए और ये यहीं से शायद आने वाले 2 से 3 साल के अंदर डबल या ट्रिपल भी यहाँ से हो सकता है। बहुत बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, मुझे अभी भी मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड हूँ, मैंने कोई अपनी होल्डिंग सेल नहीं की है। हो सकता है 16 रुपीज़ के राउंड में मैं एक काफ़ी बड़ा पोर्शन शायद साउथ इंडियन बैंक में भी बाय कर सकता हूँ और जो भी मेरी अर्निंग्स आएंगी उसके अकॉर्डिंगली शायद मैं साउथ इंडियन बैंक में भी थोड़ी होल्डिंग बढ़ा सकता हूँ। उसके अलावा है जो लास्ट शेयर है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी 800 रुपये के आसपास आ गया है, BSE लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड दिया है, 31 रुपीज़ का एक्स डिविडेंड हुआ है और यहाँ पे 800 रुपये के आसपास जो शेयर है मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए, बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस हैं। अगर आप देखिएगा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता है, जो सेविंग बैंक में जो लोग पैसा रखते हैं उनको बता रहा हूँ, उतना परसेंट तो इन्होंने डिविडेंड ही दे दिया साल के अंदर, यानी कि अगर आप 800 रुपए के आसपास शेयर खरीदते हैं तो 31 रुपीज़ का डिविडेंड, आप ये मान के चलिएगा कि 30 से 31 रुपये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरीके की कंपनियां जो कि असेट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनियां नहीं एक्सचेंज चला रही हैं, लेकिन आप देखिएगा जैसे असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इस तरीके की कंपनीज में कैपिटल की कम जरूरत होती है और कैपिटल कम होने की वजह से इनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो बड़ी बेहतरीन होती है। और जैसे BSE लिमिटेड है आप देखिएगा 31 रुपीज़ का तो डिविडेंड दे रहा है, CDSL के अंदर इसकी होल्डिंग है, उसके बाद 3.5 से 4% आपको सेविंग बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलने लग रहा है। तो ऐसा शेयर ये जो मुझे लग रहा है ये सेफ स्टॉक है, इसको लंबे टाइम के लिए रखे रहना चाहिए, डिविडेंड इसमें मिलता रहेगा और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन NSE लिस्ट होगा तो NSE की लिस्टिंग ये BSE पर होगी और इस शेयर की दोबारा से रीरेटिंग होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल के अंदर ये शेयर 1500 से 1600 रुपये पे शायद ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी इसकी वैल्यू कमी है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात आज आपको समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आगे भी आपको भविष्य में मिलती रहे तो यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपको आने वाले समय के अंदर एक अच्छा लाभ आपको मिले, अच्छा प्रॉफिट आपको, ऐसी कामना करते हुए मैं आज अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।